Hey friends, welcome back to my channel Sense Friend. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा Amazon Echo Dot का, जिसे हम Alexa के नाम से भी जानते हैं, और ये सिर्फ अवेलेबल है Amazon पे ही। बहुत कम जगह है जहाँ पे ये ऑफलाइन भी अवेलेबल रहता है। तो इसको मैंने परचेज़ किया था 2 साल पहले। तो ये है Amazon Echo Dot 3rd generation। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। Amazon का Echo Dot काफ़ी फेमस डिवाइस है। ये आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने आवाज़ के साथ। इसको एक कमरे में रख के दूसरे कमरे में जाके भी आप इसे आवाज़ से कंट्रोल करेंगे तब भी ये ऑपरेट हो जाएगा। तो एलेक्सा इंग्लिश भी बोल सकती है और हिंदी भी बोल सकती है, और जितने भी न्यू फीचर्स होते हैं ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं इसमें। तो आप हैंड्स फ्री म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। इसमें आप अमेजोन प्राइम म्यूज़िक, स्पॉटीफाई, जियो सावन, गाना और एप्पल म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप सिंगल यहाँ पे रख के भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर इसको आप डिवाइस से कनेक्ट करके 3.5 mm जैक जो कॉर्ड होता है उससे कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसे डिवाइस में अटैच करके अपने फ़ोन में या पीसी में, किसी भी डिवाइस में आप अटैच करके स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसे हेडफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3.5 mm जैक कॉर्ड होता है, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, ये है पावर कॉर्ड। इसमें कोई बैटरी सेल्स नहीं लगे होते हैं इनबिल्ट, तो इसको आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। इसके लिए पावर अडैप्टर दे रखा है इन्होंने। ये 3.5 mm जैक कॉर्ड के लिए पोर्ट है ये, और सिंपली आप इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर सकते हैं इसको आप। जो भी डिवाइस घर पे आपका जिसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट लगा होगा, तो वो आप इसे एलेक्सा या एको डॉट के साथ पेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पे लाइट्स हैं, फैन है जो कि ब्लूटूथ इनेबल्ड है, ब्लूटूथ इनबिल्ट है, तो आप इसे एलेक्सा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और स्मार्ट होम बना सकते हैं। अगर आप इसे बोलें एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट या टर्न ऑन द लाइट, लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी, या एलेक्सा टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑन द फैन। तो इस तरीके से एलेक्सा किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकती है। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जैसे स्मार्ट टीवी, एसी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट गीजर्स। आपको अलग से उनको परचेज करके उसके बाद इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी फंक्शन होंगे आप एलेक्सा को बोल के ऑपरेट करवा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है एलेक्सा डू दिस डू दैट, जो आप उससे बोलोगे करने को, जो भी कंपैटिबल है ये वो ये कर सकता है। जैसे आप बिल पे करने के लिए बोल सकते हैं एलेक्सा को, वेदर पूछ सकते हैं एलेक्सा से, आप अगर न्यूज़ जानना चाहते हैं वो बता दें, कि कोई भी नर्सरी राइम्स स्टोरीज गूगल पे अवेलेबल है वो आप ये एलेक्सा बता सकती है। तो इससे पहले Amazon Echo Dot 2nd generation का, उसमें जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके का दिखता था, और ये 3rd generation Amazon Echo Dot, बेहतरीन चीज़ ये है इसमें कि इसके जो साइड रिम्स देख रहे हैं क्या है, ये फैब्रिक है। फैब्रिक की वजह से ये बहुत ही क्लासी दिखता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसका प्राइस है 2,999, ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का है। अमेजोन पे अवेलेबल है ये। अगर आपको भी ये सेम प्रोडक्ट परचेज करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसके साथ जो अडैप्टर मिला था वो ये है। तो ये कॉर्ड मुझे यहाँ पे लगाना है बस। सीधा इलेक्ट्रिसिटी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया हमने। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इसमें लाइट्स ऑन हो गई हैं, साइड में लाइट्स आपको दिख रही होंगी ब्लू एंड वाइट। तो इसको मैंने अभी मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है, तो एज अ ब्लूटूथ स्पीकर ये यूज़ करूँगा मैं इसको। तो इसके स्पीकर की आवाज़ सुन लेते हैं क्वालिटी कैसी है। तो कोई भी सॉन्ग चलाया हमने, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप का है, माइनस से वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्लस से वॉल्यूम अप हो जाएगा। इससे वॉल्यूम कम हो रहा है, बिल्कुल ही बंद हो गया है। जब वॉल्यूम अप करूँगा तेज़ हो जाएगा ये काफ़ी। तो इसके स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने गूगल होम मिनी भी सुन रखा है, लेकिन उसमें इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती जितनी आवाज़ इसमें अच्छी है। बेस भी काफ़ी अच्छा है, साउंड क्लैरिटी भी काफ़ी सही है। अभी ये मोबाइल से कनेक्ट है, तो अभी मोबाइल में जो भी मैं अगर इसे कॉल भी करूँगा तो एज अ ब्लूटूथ स्पीकर ये यूज़ हो रहा है अभी। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट छोटा सा है, किसी कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं इसको, ज़्यादा जगह नहीं लेगी ये डिवाइस। तो इसको आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो इसकी 1 साल की वारंटी होती है। तो इसको पिछले 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक बहुत ही अच्छा चल रहा है। स्पीकर की क्वालिटी, साउंड क्लैरिटी बहुत सही है इसमें। तो यहाँ पे एको डॉट पे 4 माइक्रोफोन्स दे रखे हैं। तो आप अगर म्यूज़िक लाउड भी चल रहा हो तो आप इसे बोलेंगे एलेक्सा स्टॉप या पॉज या म्यूट, ये कर देगा। I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. और ये इसका बटन है म्यूट का, ये वॉल्यूम कम करने का, वॉल्यूम बढ़ाने का, और ये नया बटन इन्होंने दिया है Amazon Echo Dot रीसेट करने का।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।